अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त भी मैं तैमा में ही मौजूद हूँ और आज सुबह से जो हमारा तैमा ट्रिप चल रहा था वो अभी भी कंटिन्यू है। सुबह सबसे पहले हमने कारा अल हैरान एक्सप्लोर किया था, उसके बाद मेन तैमा सिटी में हम हदाज वेल गए थे और वहाँ से सूक अजम गए थे। अनफॉर्चुनेटली हदाज वेल जाने की जो वजह थी, मतलब कि मैं वहाँ पर ड्रोन शॉट्स लेना चाहता था, उसकी इजाज़त हमें नहीं मिल सकी थी। गार्ड ने अलाउ नहीं किया कि मैं वहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकूँ, इस वजह से वो काम तो नहीं हो सका। उसके बाद फिर हम तैमा फोर्ट भी गए और वहाँ पे भी हम आज थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि तैमा फोर्ट भी बंद था, तो उसको अंदर से तो एक्सप्लोर नहीं कर सके। बाहर से मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स ली हैं जो कि जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो फिर मैं उसमें शामिल कर दूँगा, क्योंकि वो पिक्चर्स मैंने गोप्रो से नहीं ली थी, वो मैंने मोबाइल से। और इस वक्त हमारा सफ़र चल रहा है जबल खरब की तरफ। जबल खरब एक बहुत ही खूबसूरत सा माउंटेन है जो कि विंड इरोजन की वजह से बना है। उसकी कोई ख़ास हिस्ट्री या कोई स्पेसिफिक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, वरना वो मैं आपके साथ शेयर करता। बस ये है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा रॉक फॉर्मेशन है जो कि सॉयल इरोजन विंड इरोजन की वजह से बना है। ये जबल खरब तैमा से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है। ऑलमोस्ट हाफ वे हम कर चुके हैं और इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ ये नस्ला रॉक वाला रोड है जो कि तैमा से अलुला की तरफ जाता है। राइट साइड पे मेरे तबूक रीजन है और लेफ्ट साइड पे मेरे मदीना रीजन है। जबल खरब भी बिल्कुल तबूक और मदीना रीजन के बॉर्डर पर ही मौजूद है। जबल खरब मेरे पसंदीदा तरीन कैंपिंग स्पॉट्स में से एक है। आज तो हम यहाँ पे कैंप नहीं कर सकते और क्योंकि रोज़ा भी है और इस वक्त दिन के तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कैंप नहीं करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कभी हम दोबारा यहाँ आते हैं सर्दियों के मौसम में तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैंप करें। तो चलें आपको दिखाते हैं जबल खरब।